जो हम टॉपिक यहाँ पर टच करने वाले हैं वो आज तक मैंने जितने भी सेशंस करे हैं उन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हाउ टू चूज योर करियर। कि जो पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ हद तक वो एक्सपेक्टेशंस भी पूरी हो जाए और जो हम करना चाहते हैं वो भी हम कर सकें और आगे फाइनेंशियली ग्रो करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इनफाइनाइट हो। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चीज़ कैसे होगी या हमको क्या करना है इसके लिए, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आप लोग अपना करियर कैसे चूज करते हैं। सर, हम करियर चूज करते हैं जो हमारे पेरेंट्स आपस में सोचते हैं, जो बनना चाहते हैं वो सोचते हैं कि इसमें हमारा चिल्ड्रन फाइनेंशियली सही सक्सेसफुल हो सकता है, और हो सकता है वो हमारे दिमाग में पहले से बचपन से सेट कर देते हैं कि आपको ये बनना है बनना है। और हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यही हमारे लिए अच्छा ऑप्शन होगा, इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर वो बच्चे वही करने लग जाते हैं और फिर ये 90% बच्चे इससे चुनते हैं। मोस्टली क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल के दबाव में आकर लोग भेड़ चाल में आकर कर लेते हैं, फ्रेंड ये करना तो हम भी ये करते हैं। सर, बेसिकली जो होता है वो पेरेंट्स हमारे बोलते हैं कि 2 साल पहले उसने वो करा था, आज वो सक्सेस है। वो जो है तेरे बड़े भैया जो है वो आज US में बैठे हैं, ये जॉब कर रहे हैं। हाँ, वो भी बेसिकली ये कहते हैं कि तू भी ये कर ले, तू भी उसकी तरह स्टैंड हो जा। कोई इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करता कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, किसमें नहीं है। सर, वो पेरेंट्स सर जब हमसे पूछते हैं कि आप ये नहीं करना वो नहीं करना तो बताओ क्या करना है, तो सर कई बार ये भी होता है कि हमारे पास ही जवाब नहीं होता, हम क्या करें, हमें यही नहीं पता होता। इसमें गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कॉमर्स, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस माइंड में आते हैं, क्या आते हैं, CA आता है और BCOM आता है और BBA आता है, MBA आता है, CFA आता है, और कोई ऑप्शन आता है, आता ही नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हम सब बच्चों की सोच एक जैसी है, सब पेरेंट्स की सोच एक जैसी है। तो ये पेरेंट्स की सोच किसने बनाई, क्या उनकी गलती है, इस पूरी की पूरी सोसाइटी ने मिलकर बनाई। पेरेंट्स की सोच बनी और पेरेंट्स से बचपन से आज तक जो उन्होंने सुना देखा करा वहां से, आपकी सोच बनी आपके पेरेंट्स से। तो अल्टीमेटली आप में और आपके पेरेंट्स में कोई फर्क नहीं है, उनको ब्लेम मत करो, आपकी सोच भी उनके जैसी ही है। अगर नहीं है तो बताओ कोई और ऑप्शंस, नहीं आते ना माइंड में। साइंस में बोलता हूं, साइंस बैकग्राउंड, क्या ऑप्शंस आते हैं माइंड में, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी क्या आता है, जैसे इंजीनियरिंग वर्ड आता है क्या आता है माइंड में, IIT आता है, ठीक है। मेडिकल में क्या आता है, MBBS, सर्जन, और कुछ, बस यही है। देखो हमारी सोच कितनी लिमिटेड हो गई है, माइंड में कुछ आता ही नहीं है तो करेंगे कैसे। आपके माइंड में कुछ आएगा तभी तो वो चीज होगी। अगर माइंड में हिमालय नाम का पहाड़ होगा तभी तो उस पर चढ़ोगे, माइंड में हिमालय है ही नहीं तो कैसे चढ़ोगे, वहां तक तो जाना तो बहुत दूर की बात है, क्या करोगे। तो क्या होगा आपके साथ में, वही जो उन सब लोगों के साथ में हो रहा है जिनकी सोच ऐसी है। अपने आसपास में देख लो क्या हो रहा है उन लोगों के साथ में। अगर हम चाहते हैं हमारे साथ में कुछ अलग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सोच को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फिर ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना है। इसको आप पीछे सर्कुलेट कर दीजिए, इसमें लिखा है हाउ टू चूज अ करियर। अच्छा, पढ़ाई में हमको आगे बढ़ने के लिए, मान लो जैसे मैंने बोला साइंस बैकग्राउंड, तो माइंड में क्या आया, इंजीनियरिंग आया, इंजीनियरिंग से IIT आया, IIT से कोटा आया, या और ये जो तैयारी वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो आए, वहां पर जाओ जा करके तैयारी करो, यही सब होता है। तो अब अगर आपको इस रास्ते पे सक्सेसफुल होना है, क्या मतलब आपको IIT में पहुंचना है, IIMs में पहुंचना है, मेडिकल में टॉप कॉलेज में पहुंचना है, तो क्या चाहिए, हार्डवर्क से काम हो जाएगा। आराम से सोचो, आराम से सोचो, ये जो सोच है ना हमारी वो बड़ी खतरनाक बनी हुई है, उसी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। हार्डवर्क सबसे ज्यादा कौन करता है, एक रिक्शे वाला, लेबरर, सक्सेसफुल हो जाता है वो। ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत हार्डवर्क करते हैं और तब भी नहीं हो पाता उनका, और ऐसे बच्चे हैं जो इतना हार्डवर्क नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हैं, मतलब घूमते फिरते भी हैं, मजे भी करते हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं और वो टॉप कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हार्डवर्क पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क भी अगर सही डायरेक्शन में ना किया जाए तो बकवास है, समझ रहे हो। सक्सेस यहां है, आप वहां भाग रहे हो पूरी जान लगा करके, पागलों की तरह।
कभी सक्सेसफुल हो सकते हो? हार्डवर्क तो कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकते? डायरेक्शन ही गलत है। सबसे पहले क्या चाहिए? एक सही डायरेक्शन चाहिए, सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं, पहले हमको उसको समझना है कि हम सही डायरेक्शन में भी भाग रहे हैं या इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सब भाग रहे हैं। या ये कहो, हो सकता है ये जो सब भाग रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के लिए वो डायरेक्शन सही हो, हमारे लिए गलत हो। समझ पा रहे हो? पता कैसे चलेगा कि? कैसे पता लगेगा? एक्सीलेंट। देखो क्या है, सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमको दिमाग लगाना है। एक है कॉम्पिटिशन, एक है कॉन्सेंट्रेशन पावर। जहां पर भी कॉम्पिटिशन ज्यादा है, मतलब क्या है कि वहां पर लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं, होना कितनों का है? 1%, 2%, 3%। रियलिटी है। मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा। क्या ये जो लाखों बच्चे ट्राई करते हैं, कोई भी ये सोच करके ट्राई करता है? लाखों रुपए जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पेंड करता है कि मेरा नहीं होगा? देखो कितना मजेदार है। मतलब लाखों को यह लग रहा है कि हमारा हो जाएगा। तो अब सबसे पहला यहां पर जो क्वेश्चन पूछना है, जो ना अभी पेरेंट्स पूछ रहे हैं ना बच्चे खुद पूछ रहे हैं, वो अपने आप से पूछना है, वो ये कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स कैसी है। सिंपल है ना, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड है? कि अगर आपको इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कॉम्पीट करना है, दिन में 10-10 घंटे पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है, उससे भी काम नहीं होने वाला क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं फिर भी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने आप से सच बोलना होगा। अब ये बड़ा टेढ़ा काम है क्योंकि दुनिया में हमारी आदत क्या पड़ी हुई है? झूठ बोलने की। किसी से भी जाकर के पूछो, हाँ भाई तेरे में पोटेंशियल है, कर लेगा आई टी? हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। फिर हुआ क्यों नहीं? हुआ क्यों नहीं? अरे वो लक साथ नहीं, नहीं हो पाया, कोई वजह होगी, नहीं हो पाया। मतलब क्या था? डायरेक्शन ही गलत थी, स्टार्टिंग ही गलत हो गई। अब आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर स्ट्रांग है या नहीं है? माइंड की थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। कैसे डिसाइड करोगे? जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉम्पीट कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस में भाग रहे हो, आपके साथ में कोई एथलीट है जिसने 10 साल प्रैक्टिस करी है रेस में भागने की, आप कभी नहीं भागे, धीरे धीरे जॉगिंग करी है लेकिन रेस में कभी तेज नहीं भागे, जीत पाओगे उससे? करो हार्डवर्क। वो 10 साल से भाग रहा है और वो रुकने वाला नहीं है, उसके पास में पूरा का पूरा एक मोमेंटम है, वो अगले 2 साल तक भी ऐसे ही भागने वाला है जैसे वो 10 साल से भागता आया है। आप अभी भागना शुरू कर रहे हो तो पहले अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कंपेयर करना है किसी और के साथ। दैट इज गोइंग टू बी अ रियलिस्टिक सोल्यूशन। एक है थियोरेटिकल सोल्यूशन। थियोरेटिकल क्या है? माँ बाप कह रहे हैं बच्चों को भागो, बच्चे भी अंदर से कह रहे हैं भागो, यही हो रहा है। करेंगे 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 करेंगे, चार्ज डब हुए पड़े हैं पागलों की तरह, इनको ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है भी या नहीं है। बहुत बारीक बात है अगर इसको हमको समझ आए तो। एक बॉक्सिंग रिंग में आप हो, ठीक है, तो सामने देखो कि जो बॉक्सर है वो है कौन जिससे आप लड़ने के लिए जा रहे हो, इसी को तो कॉम्पिटिशन बोलते हैं। तो अगर उस कॉम्पिटिशन को आपको जीतना है, और जीतना ही है, हारना किसको है? किसको अपने माँ बाप के पैसे डुबोने हैं, किसको अपनी लाइफ खराब करनी है? जीतना ही है। तो जीतने का क्या तरीका है? पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को समझ जाओ, समझ लो कि आप कॉम्पीट कर किसके साथ में रहे हो। वो कैसे समझोगे? रियलिस्टिकली अपने आप से पूछो, अपने स्कूल के बैकग्राउंड के बेस पे या जो भी आज तक आपने किया है उसके बेस पे, कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक चैप्टर है, मान लो एक बुक में, उसको पूरा याद करने में या समझने में 1 घंटा लगता है, आपको कितनी देर लगती है? 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या आधा घंटा? ये पूछो अपने आप से। देन यू विल बी एबल टू जज योर स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। ये जो 13 लाख बच्चे हैं, इसमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनसे अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी ही चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन पावर एक दिन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती है, ये प्रैक्टिस है। मतलब उन्होंने कई सालों तक इसकी प्रैक्टिस करी है तब जाके उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर एक लेवल तक पहुंची है। तो आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो तो सही कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर है कैसी। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और आप ऐसे कॉम्पिटिशन में जा रहे हो जहां पर कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो आपके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस है? क्या 100% है? पूछो अपने आप से, दिमाग को खोलो, दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगों का।
आईआईटी में लोग कहाँ से आते हैं? सिर्फ दिल्ली से आते हैं, सिर्फ बॉम्बे से आते हैं, कहाँ से आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से। मान लो 100,000 बच्चे ऐसे हैं इंडिया में अलग अलग स्कूल्स में जो अपनी अपनी क्लास में टॉपर हैं, उनको क्या लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, ये बात हो रही है टॉपर्स की। लेकिन जब वो जाएंगे कॉम्पीट करने तो और भी ऐसे टॉपर्स आए होंगे जो उनसे भी आगे होंगे। आप समझ गए? तो यहां पे आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा काम कर दिया, अपने आप से सच बोल दिया और यही सच जा करके अपने घर वालों को बोल दिया। इससे क्या होगा, आप एक ऐसे कॉम्पिटिशन से बच सकते हो जहां पर आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में कॉम्पिटिशन है किसके बीच में, देखो उन लोगों के बीच में जिसमें पोटेंशियल है। एक रेस हो रही है ओलंपिक्स में, वो किसके लिए है? जिसने बहुत प्रैक्टिस करी है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, स्टैमिना है, फोकस करने की पावर्स है, डिस्ट्रैक्शन से वो अपने माइंड को हटा सकता है, उसके लिए है ना। सबके लिए तो नहीं है, अगर सबको भगा दिया जाए उस रेस में तो क्या होगा, क्योंकि उसमें जीतने के बाद गोल्ड मेडल मिलता है, अखबार में फोटो आती है, अखबार में फोटो आती है ना, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फोटो आती है, नाम लिखे होते हैं, ऑल इंडिया रैंक ये है ये है ये है, उसको देख करके क्या होता है माँ बाप की हालत, उनको उसकी फोटो नहीं दिख रही होती, अपने बच्चे की फोटो दिख रही होती है। यहाँ पे आने वाले इतने साल बाद मेरे बच्चे की फोटो होगी, मेरी बेटी की फोटो होगी, उसकी ये रैंक होगी। यहां से क्या हो रहा है, हम अननेसेसरी अपनी एक ख्याली दुनिया खड़ी कर रहे हैं। पेरेंट्स ने अपने दिमाग में एक ख्याल बना लिया, अब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने वो ही किया जो होना था, सबके साथ होता है, कौन नहीं चाहेगा। गड़बड़ कहां हुई, आप भी इस खेल को नहीं समझ पाए, आप समझ ही नहीं पाए हो क्या रहा है। ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पैसा कहां से आ रहा है, हम सबसे आ रहा है, हमारी जेब से आ रहा है। तो अगर इस खेल को हम समझ जाएं, हमारे पेरेंट्स नहीं भी समझ पा रहे क्योंकि वो तो सपने देखेंगे ही, और हम जाकर के बोले ये सपना आप अभी रोक दो, उन पे लगाम लगाओ, देखो पहले कि आपका बच्चा कहां स्टैंड करता है। गाड़ी आपके पास में 800 और कंपीट करने की बात कर रहे हो फेरारी वालों से, बट इसका मतलब ये नहीं है 800 बुरी है, आप समझ गए मेरी बात, रेस में बुरी है, बट दिल्ली की सड़कों पर, पुरानी दिल्ली में फेरारी अच्छी है, 800 अच्छी है, 800 अच्छी है, ज्यादा सक्सेसफुल है। बट वही अगर उस रेस में चली जाए जिसमें सब भाग रहे हैं और सारी 800 नहीं है फरारीज है, एक से एक फरारीज है, किसमें कितनी आग लगी हुई है वो आपको पता ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो, कोई आ रहा है कहीं से, उस बच्चे में कितनी आग है और कितना पोटेंशियल है वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, और आप उससे लड़ने की बात कर रहे हो, किस बेस पे, क्योंकि मेरे घर वालों ने ये सपना देखा है और मुझे सपने को सच करना है, पोटेंशियल है या नहीं है पूछो अपने आप से, तो आपको क्लियर कट जवाब मिलेगा, क्लियर कट। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअल में पोटेंशियल है इन एग्जाम्स में कॉम्पीट करने का, तो इफ यू आर देयर इन दैट टॉप 10% कैटेगरी, तो अब आपका हार्डवर्क यहां पर काम आने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्डवर्क, बशर्ते आपके अंदर पोटेंशियल हो। फॉर एग्जाम्पल फेरारी की रेस हो रही है, उसमें आपने पूरी जान लगा दी, एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होने में एक सेकंड लगता है। डिस्ट्रैक्शन वाला मेरा सेशन है पावर ऑफ फोकस, वो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन है। मान लो आप हो तो फेरारी लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, रुक गए, रेस यहां हो रही है आप यहां चले गए, आउट है कि नहीं, तो आपको पूरी तरह से फोकस रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना होगा, डेडिकेशन चाहिए, डिजायर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए, इंजन में दम होना चाहिए, अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स होनी चाहिए। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आ रही है, अब क्यों चाहिए कॉन्सेंट्रेशन पावर्स, कभी सोचा है? दो तरह के काम है इस दुनिया में, एक वो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, दूसरा वो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। जहां इंटरेस्ट नहीं है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन पावर्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जहां है वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां तो ध्यान लग जाता है। वीडियो गेम खेलने के लिए कॉन्सेंट्रेशन पावर चाहिए क्या? क्यों क्यों, इंटरेस्ट है तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, खेलने में कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है और बहुत सारी चीजों में कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। पढ़ाई में हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में 99.99% लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो कैसे पढ़ाई में क्रैक कर पाएंगे? तब जब अपने ध्यान को ऐसी जगह पे रोकना आता हो जहां पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसी स्ट्रेंथ कितने लोगों में होती है, सच सच बताना आज, मतलब ईमानदारी से, आप में से कितने हैं यहां पर जो आप क्लेम कर सकते हो कि मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑनेस्टली
आपकी है, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। हम सब में से सिर्फ एक की, और ट्राई कौन करते हैं? सब करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, सब तो नहीं कह सकते, मेजॉरिटी ऑफ पीपल करते हैं, है ना खतरनाक खेल। और एक बहुत बड़ी चीज हुई है अभी यहां पर, आप में से सिर्फ एक ने अपना हाथ उठाया, बाकी उन्होंने नहीं उठाया, इसका मतलब आपने क्या किया? सच बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर अपने घर पे भी एक्सेप्ट कर लो तो क्या होगा? खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को समझ आ जाए, इंडिया में लाखों बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको ये समझ आ जाए और वो अपने आप से सच बोल दें, अपना हाथ ऊपर ना करें, अपने घर पे जाकर के बोल दें मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, हाँ मेरी क्लास में कुछ चार बच्चे हैं उनकी है, वो भी कॉम्पीट करने जा रहे हैं, उनको करने दो, मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा इस खेल में। हाँ कुछ और ऐसे खेल है जहां पर मैं फाड़ दूंगा, तो क्या होगा? अब क्या आपके पेरेंट्स भेजेंगे आपको? पहले ही बोल दो, आपने भेजना है भेज दो, लेकिन आपका पैसा डूबेगा। 5 लाख डुबोने हैं डुबो दो, भेजना है भेज दो, मुझे पता है मेरा नहीं हो पाएगा। ये झूठ है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, या ये रियलिस्टिक थिंकिंग है? समझो, रियलिस्टिक थिंकिंग, दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो हमको समझना है। पॉजिटिव थिंकिंग का लोग मतलब क्या निकालते हैं कि मेरे पास में मारुति 800 है और मैं ये एक्सेप्ट ही ना करूं कि मेरे पास में मारुति 800 है, मैं अपना ख्याल बना लूं कि मेरे पास में फरारी है और जाकर के कॉम्पीट करूं ऐसे लोगों के साथ में जिनके पास में एक्चुअल में फरारी है। फर्क पता लग रहा है? और ऊपर से अपने आप को पॉजिटिवली अंदर से मोटिवेट करता रहा, घर वाले भी मुझे रोज फोन करके नहीं बेटा तू कर सकता है कर सकता है कर सकता। रियलिटी को देखो ही ना, अपनी स्ट्रेंथ को देखो ही ना, अपनी आंखें बंद कर लो, सच बोलो अपने आप से, जीत सकते हो तो लड़ो, नहीं जीत सकते तो कोई ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आप जीत सकते हो, या बेटर स्टिल जहां पे कोई कंपटीशन ही ना हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है? ये तो हो गई पहली कैटेगरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो यहां पर अभी कोई भी नहीं मिला, सिर्फ एक मिला है। दूसरा है ऑर्डिनरी, 90% लोग एक क्लास में, 90% स्टूडेंट्स इंडिया में वो इस सेगमेंट में आते हैं। अब मजे की बात क्या है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी दुकानें कैसे बच्चों से चल रही है? ऐसे बच्चों से, कुछ रोल मॉडल्स दिखा करके, देखो हमारे इंस्टीट्यूट से ये है, उन्होंने ये कर दिया, जनता को लेकर के आएंगे, जितनी ज्यादा भीड़ आ जाए उतना अच्छा। तो इस पूरी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो कौन करेगा? एक स्टूडेंट ही कर सकता है। आप चाहो तो स्टैंड ले सकते हो, स्टैंड मतलब क्या? सच बोल दो। ऑर्डिनरी लोग 90% ये कहां जा रहे हैं? हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सब जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ऑर्डिनरी हो और एक हाई कॉम्पिटिशन वाली फील्ड में जा रहे हो तो आपका नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट द पॉसिबिलिटी इज 0%, आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी इज 1%। जेन्युइन है वो भी तब है अगर आप मेहनत करो तो, अगर वहां जाकर के मेहनत ही ना करो तब तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बहुत मेहनत करो तो 1%, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं तोड़ूंगा ऐसे लोगों की, लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में ऐसा कर रहे हैं। बट ये वीडियो मैं सिर्फ अभी करंट सिचुएशन के लिए नहीं बना रहा, मैं आगे तक देख रहा हूं, आने वाले 20 साल, 50 साल, 100 साल आगे तक देख करके चल रहा हूं कि इंडिया की प्रॉब्लम्स का अगर हमको सोल्यूशन निकालना है, अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन निकालना है, डिप्रेशन का सोल्यूशन निकालना है, तो वो सोल्यूशन क्या है? मेरी सोच वहां पर चल रही है। इसकी वजह से होगा क्या, अभी जो ऑलरेडी ऐसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं और वो ऐसी जगह पे चले गए हैं तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी इस वीडियो को देख करके। तो मैं उनको क्या कहूंगा, उम्मीद है लगा दो जान। बस साथ में क्या कहूंगा उन पेरेंट्स को जो अब ऐसा गेम खेलने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे देख रहे हैं, बड़ा सिंपल है कि अपने पेरेंट्स को जाकर के कहो मुझे नहीं लगता कि मेरे में पोटेंशियल है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, हाँ 1% चांस है, सच बोल दो। बोलो मैं ये नहीं कह सकता मैं कर ही नहीं सकता, 1% चांस, 99% चांस है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता हूं अपने आप को, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं, मुझे पता है अंदर से कि मैं क्या हूं, मुझे पता है अंदर से कि मेरे अंदर कितनी आग है, कितना पोटेंशियल है, मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठ के पढ़ा हूं, मुझे पता है अंदर से कि मैं क्या हूं। तो आप क्या कहोगे, सच बोलोगे अपने घर वालों को जाके कि देखो अगर आप मुझे 2 साल तक की कोचिंग कराओगे, उसमें मान लो 1,00,000 रुपए साल की फीस हो गई, प्लस रहना खाना पीना व्हाटएवर इट इज, टोटल मान लो 2 साल में कितना खर्चा आया, 4-5 लाख रुपए, 5 लाख मान लेते हैं, तो आप बोलोगे अपने घर वालों को जाकर के अगर अभी भी ये सब सुनने के बाद भी
आप कहते हो कोई बात नहीं बेटा 1% चांस है तू कर ले, तो मैं आपको एक बेटर ऑप्शन देता हूं प्रैक्टिकल रियलिटी के बेस पे। यहां पे अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर दाव लगाते हैं, जीतने के चांसेस क्या है पेरेंट्स के 1:100, इससे बेटर ऑप्शन क्या है गोवा जाओ। सीरियसली आई एम सीरियस अबाउट इट, मजाक नहीं कर रहा, गोवा जाओ वहां पे कैसीनोज है, वहां पे अगर आप 500,000 रुपए लगाते हो, एक रूले करके गेम है पता है आप लोगों को, सारे जुआरी हैं क्या यहां पे? रूले गेम है जिसमें एक बॉल घुमाते हैं, 36 नंबर होते हैं और एक जीरो होता है, वहां पे अगर आप एक नंबर पे पैसा लगाते हो और वो नंबर आ जाता है तो 1 रुपया आपका बन जाता है 36 रुपए। जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1:37, यहां पर क्या है 1:100, वहां पर क्या है 1:37, मतलब इससे डबल से भी ज्यादा है। तो अपने पेरेंट्स को सजेशन दो कि जुआ खेलना ही है तो ये बेटर ऑप्शन है, खेलते हैं ना, मेरी जिंदगी क्यों दाव पे लगा रहे हो, मुझे तो बचने दो, अरे खेलना है तो मिलके खेलते हैं, जाओ अपने पेरेंट्स के साथ में उनको गोवा लेकर के जाओ अपनी पार्टी करना, और एक दिन जाना ले आकर के 500,000 रुपए एक टेबल पे रख देना, अगर वो नंबर आ गया तो कोई भी नंबर चूज कर लो, आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप नंबर 1 पे आओ, ऑल ओवर इंडिया में आपकी नंबर 1 रैंक आए, तो 1 नंबर पे पैसा लगाओ जुए में, वहां भी 1 नंबर पे पैसा लगा रहे हैं, यहां भी 1 नंबर पे पैसा लगाओ, अगर वो 1 नंबर आ गया तो कितना मिलेगा 5 लाख का 1,80,00,000, 1,80,00,000 उसको उठा करके बैंक में FD कराओ कितना इंटरेस्ट आएगा 12%, तो अब टाइम गया, अब मान लो टैक्स वैक्स काट के 7-8% भी आ गया आपके हाथ में, महीने का 1,00,000 रुपए, साल का 12,00,000 रुपए, सोचो क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है जो बात मैंने बोली है, थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, वहां भी जुआ है यहां भी जुआ है, आप भी बोल रहे हो हाँ शायद मेरा हो जाएगा, पेरेंट्स भी कह रहे हैं हाँ शायद इसका हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारे सामने है, आपके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे सामने है। हाँ अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हो तो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वहां पर आ गई 10% से 100%, तो वहां पर जुए का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना, बट अगर आप ऑर्डिनरी में हो और वहां पर जाकर के आप कॉम्पीट कर रहे हो, इससे बेटर ऑप्शन है जुआ। अगर घर वाले कहेंगे पैसा डूब गया तो जुए में, तो बोलो वो तो यहां भी डूब रहा है, यहां भी तो डूब रहा है, फर्क क्या है, इसको बोलते हैं एक रियलिटी के बेस पर समझ करके सोच करके लिया हुआ डिसीजन। तो अब तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कोई ऐसा करियर चूज करो, देखो कितना मजेदार है, जहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर की जरूरत ही ना हो, नॉट रिक्वायर्ड, इफ यू लव सिंगिंग कॉन्सेंट्रेशन पावर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हो जाएगा, किसी खेलने में इंटरेस्ट है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए क्या, हो जाएगा, घंटों तक हो जाएगा, एक है कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, एक है कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, दोनों में बहुत फर्क है, इंटरेस्टिंग है तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं है बोरिंग है तो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो चाहे जॉब हो, ये छोटी सी सोच चाहिए, समझ चाहिए। अब यहां पे क्या चलेगा, इन फील्ड में कॉम्पिटिशन क्या है, आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो गई, वहां पर कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए जो मीडियोकर है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोनों को आपस में कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, कोई नंबर्स नहीं है ना, ध्यान से समझो, जैसे आप किसी एग्जाम में जाते हो तो एक कंपेयर किया जा सकता है आपको किसी से, क्योंकि आपके आए 90%, किसी और के आए 99%, तो कंपैरिजन है। टैलेंट में क्या है, आपके अंदर एक तरह का टैलेंट है, किसी और के अंदर और कोई तरह का टैलेंट है, आप जो कर सकते हो वो नहीं कर सकता, वो जो कर सकता है वो नहीं कर सकता, एक सिंगर है उसकी अलग तरह की आवाज है, कोई और सिंगर है उसकी अलग तरह की आवाज है। अब यहां पे भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है यहां पर, प्रैक्टिकली आप लोग बताओ कि प्रॉब्लम क्या है यहां पर इस तरह का कुछ करने में, स्कोप क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो अगर टैलेंट हो तो स्कोप होगा या नहीं होगा, होगा, बट ऑब्वियस टैलेंट कैसे डेवलप होता है, प्रैक्टिस, और ये भी तभी काम आएगा जब इंटरेस्ट होगा, समझ गए ना,
जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा पैशन होगा, जितना ज्यादा पैशन होगा उतना ही ज्यादा पैशन के साथ प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना ही टैलेंट बढ़ता चला जाएगा, जितना आपका टैलेंट बढ़ता चला जाएगा आपके लिए कॉम्पिटिशन उतना ही कम होता चला जाएगा। क्लियर है ना? बट आप इन सारे रूट से भागने के लिए वहां पर जा रहे हो तो भगवान ही मालिक है आपका। समझ गए? पढ़ाई के टॉर्चर से बचने के लिए जबरदस्ती कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फिर भी आप कर लो, आप कहो हाँ ये सही है, तो आपका वही हाल होगा जो वहां पे कंपटीशन में बाकी लोगों का हो रहा है। मतलब आपको जेन्युइनली चूज करना होगा कोई ऐसा इंटरेस्ट विच यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट, एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट। ठीक है, इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रॉब्लम एक है बहुत सिंपल सी जो मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ऐसा इंटरेस्ट क्या है। आई डोंट नो व्हाट दैट इंटरेस्ट इज। मेरे लिए ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई ऐसी स्किल नहीं है जो मैं कह सकूं कि हाँ इसके बेस पे मैं अपनी पूरी लाइफ स्टेक पे लगा सकता हूं। उनके लिए क्या सोल्यूशन है? आपके घर वाले चाहते हैं आपको डिग्री मिले, आप चाहते हो कुछ अपना करना, फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल हो जाओ, तो उसका ऑप्शन क्या है? ये रहा। यानी कि आप बहुत ज्यादा टफ एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टफ पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आप पढ़ सकते हो। तो आप एक ऐसी फील्ड चूज करते हो जहां पे कॉम्पिटिशन लो है, जहां पे कंपटीशन कम है, और अगर वहां पर आप स्मार्ट वर्क करने लग जाओ तो आपके जीतने के जो चांसेस हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10% एंड गोज अप टू 100%, एज गुड एज उन लोगों के कंपैरिजन में जो यहां पर टॉप पर है। और यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क को मैंने नीचे डिफाइन भी किया हुआ है कि व्हाट डज स्मार्ट वर्क मीन। इट मीन्स डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज स्मार्ट वर्क। जो काम आप कर रहे हो उसकी समझ अगर आपको है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। समझ नहीं है बस कर रहे हो तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो। अब इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाला हूं। एक सिंपल सा करियर मैं आपको बता रहा हूं, फिजियोथेरेपी। सुना इसके बारे में सबने? अभी कुछ दिन पहले मेरी नेक में थोड़ा सा पेन हुआ, मैंने गूगल पे जाकर के सर्च किया फिजियोथेरेपी सर्विसेज एट होम इन माय एरिया। लोकेलिटी मैं नहीं बताऊंगा नहीं तो लोग मेरे घर आ जाएंगे। तो मैंने सर्च किया, वहां पर ऊपर कुछ लिस्टिंग्स आई, कुछ वेबसाइट्स आई, उसमें एक डॉक्टर का नाम मुझे मिला। उनकी मैं वेबसाइट पे गया, वहां जाकर के उन डॉक्टर के बारे में मैंने 2-3 मिनट पढ़ा, समझा, मुझे अच्छा लगा पढ़ करके, समझ करके। उनको फ़ोन किया, वो मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे 7 दिन तक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया। वो एक ट्रीटमेंट का लेते हैं 500 से 700 रुपये, कई बार 1000 रुपये भी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लिकेशंस एंड टाइम इन्वॉल्व्ड। मेरे से उन्होंने लिए 500 रुपये। मैंने उनसे पूछा कि आप दिन में ऑन एन एवरेज कितने ट्रीटमेंट्स करते हो? उन्होंने कहा एक दिन का ऑन एन एवरेज मैं 8 से 10 ट्रीटमेंट्स करता हूँ। मैंने कैलकुलेशन करी, दिमाग चलाया, 8 से 10 का मतलब क्या हुआ? 4 से 5 हज़ार रुपये एक दिन का, एक महीने का नहीं, एक दिन का। कितना हो गया एक महीने का? 1 लाख से 1.25 लाख रुपये। अभी उनको 4 साल हुए अपनी फिजियोथेरेपी करे हुए, ये नहीं है कि 40 साल हो गए, 4 साल। समझ रहे हो क्या किया उन्होंने, कैसे किया उन्होंने? वो सब आ जाता है स्मार्ट वर्क के अंदर। उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क किया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर जाकर के कॉम्पीट करते हैं, वहां होता है नहीं, जा करके किसी लोकल कॉलेज में फंस जाते हैं, वहां से निकल करके जॉब के लिए धक्के खाते हैं। इसके आगे सोच बढ़ ही नहीं पाती, जॉब नहीं मिल रही तो दुखी हो जाते हैं, उसके बाद में जब बहुत टाइम तक जॉब नहीं मिल रही होती तो जो भी जॉब होती है, जैसी भी जॉब होती है, कर लेते हैं। होता है प्रैक्टिकली ऐसा है? नहीं होता है। पढ़ाई करिए किसी फील्ड में, जॉब कर रहे हैं किसी और फील्ड में, मतलब कि वो पढ़ाई करी वो बेकार हो गई। स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? आप एक फिजियोथेरेपी कॉलेज में गए, कोई टॉप कॉलेज नहीं जहां पे अगेन कंपटीशन है, किसी लोकल कॉलेज से। क्योंकि कोई भी जब फिजियोथेरेपी कराता है तो पूछता नहीं आपने कौन से कॉलेज से किया है। मैंने नहीं पूछा, कोई नहीं पूछता। तो किसी भी कॉलेज से अच्छे से जा करके आप स्टडी करके आ गए, डिग्री लेकर के आ गए, आप कहीं भी जाओगे कभी भी आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, जो सुन करके आपके घर वाले कन्विंस हो जाएंगे, कहेंगे हाँ ठीक है, एक बैकअप प्लान तो है। तो एक ऐसा रास्ता जहां पर वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको जॉब भी मिल जाए, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो की कोई अपर लिमिट ना हो। अब बात आती है कैसे करोगे आप इस चीज को। इसका स्कोप देखो,
कि आने वाले टाइम में अभी जितनी तेजी से मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर सब लोग इस तरह भाग रहे हैं, सबके ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। बैक में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, नेक में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, और पता नहीं कितनों को कितनी आनी आ भी रही है। आपके घर में भी जो आपके पेरेंट्स हैं उनको सबको कहीं ना कहीं दर्द होगा। तो आपने पहले तो ये समझा कि हाँ इसका स्कोप कभी कम नहीं होने वाला, बढ़ने ही वाला है, ठीक है। इसमें कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा जब स्कोप ज्यादा है तो, लेकिन किन लोगों के लिए बढ़ेगा? जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क को समझ पा रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आपने कहा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, वो मुझे समझ आ रहा है, जैसे मैंने फिजियोथेरेपी का किया, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, तो इसके साथ में कुछ और चीजें भी हैं जो मुझे सीखनी पड़ेंगी। क्या सीखना पड़ेगा? जिसका हो सकता है इससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन ना हो, एक महीने का छोटा सा कहीं से वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया और ऑनलाइन मार्केटिंग का, कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं। गूगल में जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो वहां पे एड्स आती है, उसको बोलते हैं गूगल एडवर्ड्स। ये किस तरह से काम करता है? आपने कहा ऑनलाइन मार्केटिंग मैंने सीख ली, उसके अलावा मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा, क्योंकि अगर मैं कहीं जा रहा हूं किसी से बात कर रहा हूं और मैं बेवकूफ लग रहा हूं बात करने में, तो कोई मुझे दोबारा क्यों बुलाएगा? तो आपने क्या किया? कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कोर्स किया एक महीने का, उसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स किया छह महीने का या एक साल का। इस सबसे हो क्या रहा है? आप एज एन इंडिविजुअल बेटर बनते चले जा रहे हो। उसके बाद में धीरे धीरे आप अपनी एक क्लाइंटेल बनाओगे। शुरू में मान लो आपको दिन में दो या चार लोगों ने बुलाया, वर्स्ट केस सिनेरियो मान लो ना, घर से आप ऑपरेट कर रहे हो, अभी आपने कोई अपना क्लिनिक नहीं बनाया है, घर से आप ऑपरेट, और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। अपने नाम को मल्टीपल वेबसाइट्स में आप लिस्ट कर दोगे, इनको डायरेक्टरीज बोलते हैं, ऑनलाइन डायरेक्टरीज। तो ऑनलाइन सर्च इंजन में कोई भी कुछ भी सर्च करेगा तो कहीं ना कहीं वो आप तक पहुंच जाएगा, चाहे वो एक वेबसाइट के थ्रू पहुंचे, चाहे आपके थ्रू पहुंचे, चाहे ऐड के थ्रू पहुंचे, चाहे कहीं से भी पहुंचे, वो आप तक पहुंचेगा। अगर उनको आपने सेटिस्फाई कर दिया अपनी बातों से भी, अपने ट्रीटमेंट से भी, ईमानदारी से जेन्युइनली अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो क्या करेंगे? लोकेलिटी में रिकमेंड करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में करेंगे, अपने रिलेटिव्स में करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ महीनों में क्या होगा, अब यहां पे थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये नहीं है सारा काम एक दिन में हो जाएगा। आईआईटी में भी आपका एडमिशन हो गया तो ये नहीं कि हलवा है वहां से क्लियर करना, चार साल तक लग करके दिन रात काम तो करना ही पड़ेगा ना, यहां भी करना पड़ेगा। तो आप सीखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, धीरे धीरे आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता लगेगा, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में पता लगेगा। इसमें हजारों तरह के इक्विपमेंट्स हैं, हजारों तरह की चीजें हैं, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए, इतनी बड़ी फील्ड है ये। आप आने वाले टाइम में फिजियोथेरेपी का एक ऐसा क्लिनिक बना सकते हो अपनी सिटी में या कहीं पर भी, जो अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट हो, मतलब ऐसा जो पूरे इंडिया में ना हो। और क्लिनिक आप ऐसे करते करते धीरे धीरे, अभी एक दिन में या दो दिन में नहीं होगा, मान लो पांच साल में होगा, दस साल में होगा, बीस साल में होगा, क्लिनिक कितना बड़ा हो सकता है, कितने क्लिनिक्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, कोई लिमिट नहीं। अगर कुछ लोग जो मेरी इन बातों को समझ पाए, जो बातें मैं कर रहा हूं, और कुछ ऐसी डायरेक्शन में जा पाए सेंसिबल तरीके से, स्मार्टली, नॉट बाय डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट बाय डूइंग स्मार्ट वर्क, तेजी से आगे बढ़ पाए, तो आने वाले टाइम में यही वो लोग होंगे जो आने वाले टाइम में लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। अंदर से एक ये फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अगर मैं कर पाया तो मेरी प्रॉब्लम्स तो सारी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, वो लोग करेंगे ना। अगर आपने किसी के दर्द का इलाज कर दिया तो वो आदमी आपको पता है क्या कहेगा? बताओ आपको क्या चाहिए। वो लोग आपके पीछे आएंगे। आपने उनको बोल दिया नहीं मैं आज आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप बताओ उनका बताओ। मतलब कि अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बना लो तो दुनिया भागती हुई आपके पास आएगी। ये एक रास्ता है। एक है अंदर से तो स्ट्रांग बनो मत और दुनिया के पीछे भागते रहो, भैया मेरा कुछ हो सकता है, भैया मेरा कुछ हो सकता है, भैया कहीं लगवा दो जॉब लगवा दो, भैया ये भैया वो भैया वो, अरे काहे का भैया, समझे? ये एटीट्यूड चाहिए। ढंके की चोट पे आप काम करो। मैंने लाइफ में जो भी काम किया है बिल्कुल एटीट्यूड के साथ किया है, ये मैं कर रहा हूं, आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं आई बिलीव इन इट, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं आपसे। और बहुत सारे लोग होते थे जिनको मैं मना कर देता था, जो मैं नहीं कर रहा तुम्हारा शूट, और वो जा करके चार लोगों को पकड़ के ले आते थे, ये बंदा जेन्युइन है, इसमें दम है ना बोलने का। वो दम कहां से आता है? सोच से आता है। सोच को खोलो, बंद करके इसमें मत रहो, फाड़ दो, और फिर भी रहना है तो आपकी चॉइस है।